नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड, सीबीआई ने जिस गवाह को बताया मृत वह कोर्ट पहुंची और बोली, जज साहब मैं भी जिंदा हूं। बताते चले कि सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में एक नया मामला अजीब गरीब सामने आया है। जिस गवाह को सीबीआई ने 10 दिन पहले मृत घोषित किया था वह अचानक कोर्ट पहुंच गई। इस हत्या में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत 8 लोगों पर सीबीआई ने विशेष कोर्ट चार्जशीट दाखिल की थी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया जब सीबीआई ने जिस महिला को मृत बताकर कोर्ट में डेथ रिपोर्ट जमा कर दी थी वह जिंदा निकली। आज खुद मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हो गई और जज के सामने आकर कहा, हुजूर मैं जिंदा हूँ, मुझे सीबीआई वालों ने मृत घोषित कर दिया है। अब कोर्ट ने सीबीआई से इसे लेकर स्पष्टीकरण की मांग की है। बताते चले कि महिला ने कोर्ट में अपना पहचान पत्र भी दिखाया है। बताते चले कि सीबीआई ने 24 मई को कोर्ट में बदामी देवी को मृत बताते हुए रिपोर्ट दाखिल किया था। इस बात की जानकारी जब बदामी देवी को मीडिया के माध्यम से मिली तो वो काफ़ी दुखी हुई। इस पर कोर्ट को ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए सीबीआई से शो कॉज किया है। बताते चले कि यह जो हत्या हुई थी राजदेव रंजन की, यह वही महिला है जिससे घर पर आरोपी कब्जा करने के फिराक में थे। पत्रकार राजदेव रंजन इसे लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे थे। इसी बात को लेकर आरोपित लड्डन मियां समेत अन्य ने तय किया था कि पत्रकार की हत्या के बाद ही घर पर कब्जा हो सकेगा। इसके बाद पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार हत्या कर दी गई थी। बदामी देवी ने बताया कि मेरी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, जब सुना कि हमें मरा हुआ घोषित कर दिया गया है तब मैं काफ़ी दुख हुई। यह सब आरोपियों की मिलीभगत से हो रहा है। वहीं इस पर पूरे मामले पर अधिवक्ता शरद सिन्हा ने सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़ी लापरवाही है, देश की इतनी बड़ी जांच एजेंसी का यह हाल है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। बड़ा मामला आपको बता रहे हैं सिवान जिले।